2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है। इन राज्यों में ज्यादातर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वही तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच होने की उम्मीद है। इस चुनावी संतरंज में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने का शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से 140 सीटों के लिए उम्मीदवारों को ऐलान किया गया है। वही छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें में से 30 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। इसी तरह तेलंगाना की 119 सीटों में से 55 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस आने वाले दो दिनों के भीतर यानी 16 को दूसरी और 17 अक्टूबर को उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी सूची भी जारी कर देगी। राजस्थान और मिजोरम विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। आइए जानते हैं 3 राज्यों के लिए जारी की गई कांग्रेस की पहली सूची में क्या खास है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश से 146, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम हैं। सबसे पहले बात तेलंगाना की। तेलंगाना में पार्टी ने 46% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राज्य में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, जिसमें 12 विधायक बीआरएस में शामिल हो। एक विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया और एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीआरएस ने जीत ली। इस वक्त कांग्रेस के केवल 5 विधायक ही है। पहली सूची में 5 मौजूदा विधायकों के साथ पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी को भी चुनावी मैदान में उतारा है। वही बीआरएस से कांग्रेस में आए मलकाजगिरी सीट के विधायक हनुमंत राव को पार्टी ने यही से टिकट दिया है। हनुमंत राव के बेटे डॉक्टर रोहित को भी पार्टी ने मेडक जिले की मेडक विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। बात छत्तीसगढ़ की जाए तो 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव का भी नाम शामिल है। बघेल अपनी परंपरागत पाटन सीट से मैदान उतरे हैं। यहां उनका मुकाबला बसपा उम्मीदवार और उनके भतीजे विजय बघेल से होगा। विजय इस वक्त बसपा सांसद है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव को एक बार फिर अंबिकापुर से पार्टी ने टिकट दिया है। यहां अभी बसपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बघेल सरकार के सभी मंत्रियों को फिर से टिकट, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महत को सख्ती से फिर से टिकट दिया गया है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ ही कैबिनेट में शामिल सभी 13 मंत्रियों को फिर रिपीट भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ ही कैबिनेट में शामिल सभी 13 मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। अहिवारा विधायक और भूपेश बघेल सरकार में मंत्री गुरु रुद्र कुमार की सीट बदल दी गई है। उन्हें इस बार अहिवारा की जगह नवागढ़ के सीट से मैदान में उतारा गया है। पार्टी के इकलौते सांसद दीपक बैजों के चित्रकोट से मैदान में उतारा गया है। बैज अभी बस्तर लोकसभा सीट से सांसद है। देवती कर्मा की जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया है। वही अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो कांग्रेस की पहली सूची में सबसे ज्यादा 146 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा सीट से मैदान में होंगे। एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ के मैदान में होंगे। जयवर्धन सिंह कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह भी एक बार फिर से चचौड़ा विधानसभा के किस्मत आजमाएंगे।